आज की वीडियो में हमने टाइम स्पीड और डिस्टेंस का एक बहुत ही मजेदार सवाल लिया है और ये सवाल की खास बात यह है कि अर्थमेटिकल रीजनिंग में भी पूछा जाता है। आइए इसको सीखते हैं बनाना। जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है उतनी ही देर में कुत्ता 3 छलांग लगाता है। यदि कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में लगाई गई दूरी के बराबर हो तो कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात पूछा है। तो देखिए सबसे पहले बात कर रहे हैं समय के बारे में, यानी टाइम के बारे में। रैबिट है और क्या दे रखा है, डॉग। अगर हम इनके समय के बारे में बात करें तो देखिए खरगोश 5 छलांग लगाता है जितनी देर में, उतनी ही देर में कुत्ता 3 छलांग लगा रहा है। आगे कह रहे हैं यदि कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी, अब अगर डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है तो एक कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में लगाई गई दूरी के बराबर है। ये हो गया। तो आगे पूछा चालों का अनुपात। देखिए एवरेज स्पीड बराबर क्या फार्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फार्मूला है। अब यहां से बस वैल्यू पुट करनी है। हमारे पास डिस्टेंस भी दे रखी है और टाइम भी दे रखा है, डिस्टेंस भी दे रखी है और टाइम भी दे रखा है। देखिए अब क्या काम करा हमने, रैबिट के लिए कितना, रैबिट की डिस्टेंस कितनी हो गई 3 और टाइम कितना ले रहा है 5। ऐसे ही डॉग यानी कुत्ते की डिस्टेंस कितनी हो गई 1 और टाइम कितना ले रहा है 3। यहां से बस इनकी तिरछी मल्टीप्लाई करनी है, कितना आ जाएगा 3 3 9, 5 1 5, यानी कितना आंसर आ जाएगा 9:5, उनकी चालों का अनुपात 9:5। इस तरीके से आपको इस प्रश्न को हल करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टॉम जेरी का पीछा कर रहा है उतने ही समय में टॉम 8 बार कूदता है। अब देखिए कौन कौन है, टॉम है और जेरी है। सबसे पहले हम इनके टाइम के बारे में बात करते हैं। उतने ही समय में टॉम 8 बार कूदता है और जेरी जो है 6 बार। इसके बाद अगर हम इनके डिस्टेंस के बारे में बात करें तो देखिए किंतु सात बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी तय करता है, 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी तय करता है वह उसके बराबर है जितनी दूरी जेरी 5 बार कूदने में करता है, तो जेरी 5 बार कूदता है। इसके बाद एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना हो जाएगा। देखिए टॉम के लिए डिस्टेंस कितनी है 7 और टाइम कितना है 8, और जेरी के लिए डिस्टेंस 5 और टाइम कितना है 6। और इसके बाद हमें यहां पर इनकी तिरछी गुणा कर देनी है, कितना हो जाएगा 7 6 42 और 8 5 40, 20 2 40, 2 से कट जाएगा 20 आ गया और ये 21 आ गया, 21:20। यानी देखिए कितना दे रखा है, 20:21 या 21:20, ये सेम है, एक ही रेशियो दे रखा है। तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या आ गया, 20:21। ये एक क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी से इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जाके आपको देना है क्या आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही और वीडियो के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।